नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी, यानी कि वाराणसी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने वाला है उसका कुछ मुख्य अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, यानी अगर सही जानकारी आप चाहते हैं कि क्या यहाँ पे स्टेडियम जो बन रहा है कार्य चालू हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और कहां से कहां तक स्टेडियम का जगह है, कितने एकड़ में ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगा। और चैनल पे जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले नए अपडेट की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, वीडियो देखते हैं बस हटा देते हैं साइड में कि बेकार है, चलो और बहुत सी जानकारी न्यूज़ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो जानकारी मैं दूंगा ज़मीनी स्तर पे दूंगा, यहाँ पे बराबर आकर के अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ गंजारी गाँव में, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने वाला है 25 एकड़ में, जबकि गवर्नमेंट की ज़मीन देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 15 एकड़ हो चुका है। ठीक है, और 10 एकड़ ज़मीन खरीद भी चुके हैं, यानी टोटल मिला जुला कर 25 एकड़ में, जिसमें कि 10 एकड़ जो ज़मीन खरीदाया गया है उसमें किसानों की ज़मीन है, और किसानों की भूमि जो है कि लगभग 70% उनको पेमेंट हो चुका है। ठीक है, अभी मेरे सामने देख रहे हैं कि ये खेती हुआ है फूल उल का, और इधर भी देख सकते हैं आगे धान उन की खेती भी लगा हुआ है, पूरा फूल की खेती है, किसान इधर पूरा खेती करते हैं, इसी पे सब लोग निर्भर हैं। बट क्या है कि गवर्नमेंट की इधर ज़्यादा ज़मीन होने के कारण यहाँ पे स्टेडियम का प्रोजेक्ट पास हो गया। ठीक है, इसके वजह से ये देखिए गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं जो खाली खाली हैं, ये गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, उधर भी हैं बाउंड्री करा हुआ, वो सब गवर्नमेंट की ज़मीन है, उधर तालाब है, उधर भी ज़मीन सब खाली खाली हैं। ठीक है, सो दोस्तों देखा जाए तो किसानों को एक तरह से बहुत हानि है, क्योंकि किसान जो है कि खेती पे ही निर्भर रहते हैं। बट क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़मीन होने के कारण यहाँ पे स्टेडियम का प्रोजेक्ट जो है पास हो चुका है, इसके वजह से भाई मजबूरी है गवर्नमेंट को किसानों को, लेकिन उसका मुआवजा जो है कि सही इन लोगों को मिला। ठीक है, 70% मिल गया है, कुछ लोगों को बाकी रहेगा वो भी मिल जाएगा। तो स्टेडियम अगर बन जाएगा तो बनारस का विकास भी बहुत तेज़ी से होने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझ रहे हैं कि विश्व लेवल का जो है कि वर्ल्ड लेवल का जो है कि यहाँ पे स्टेडियम बनना है, विदेश से क्रिकेट से लेकर जो भी गेम होंगे यहाँ पे पूरे जो है कि लोग आएंगे, यहाँ का विकास ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, इसके वजह से तो किसी किसान को कोई आपत्ति नहीं है स्टेडियम बनने पर। तो चलिए पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, और भी जानकारी आगे देखते रहिए। दोस्तों अब मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे यहां पे आएंगे आप देखने के लिए, जैसे बहुत से लोग ताले होते हैं भाई कहां पे स्टेडियम बन रहा है, तो गंजारी गांव में आने के लिए देखिए वो हाईवे जो है, आप अगर उधर साइड से आ रहे हैं ये लिंक रोड है, और यहां पे किसी से पता कर लेंगे कि जो चौराहा है आपका जनसा जाने वाली रोड जो चौराहा है वहाँ से राइट में आएँगे तो आपको ये रिंग रोड मिलेगा। वहाँ से बस 150 मीटर आने के बाद दाहिने साइड में कच्ची रोड आया है, देख सकते हैं वो रोड ऐसे हो करके, और ये रोड आया है, और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे पहचान। यहाँ पे थोड़ा बगीचे टाइप का है, ठीक है, तो बगीचे टाइप का है इसलिए यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे मतलब कहाँ पे लोग हैं। देखिए किसानों की ये देखिए धान उनकी खेती भी हो रही है, और अभी कटाई शुरू है, तो जब तक स्टेडियम का काम पूरे तरीके से स्टार्ट नहीं होता है तब तक ये काम मतलब किसान अपना कर सकते हैं काम। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर स्टेडियम बनेगा तो हर किसी को इसका फ़ायदा मिलेगा, हमारे बनारस का विकास होगा, और लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पे गेम देखने को मिलेगा नज़दीक में, बहुत से लोग दूर दूर तक नहीं जा पाते हैं गेम देखने के लिए, तो यहाँ पे उन लोगों को एक तरह से बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से वाराणसी का बहुत बड़ा नाम होगा, और किसानों को भी कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है कि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनको उनके ज़मीन का सही मुआवजा भी दिया जा रहा है, और वो उतने पैसे से कहीं और जाके ज़मीन ले भी सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो अभी बहुत सी ज़मीनें देखिए उधर भी हैं, कुछ प्राइवेट ज़मीनें हैं और कुछ सरकारी हैं, इधर भी देखिए प्राइवेट ज़मीन है, ठीक है, इधर सभी प्राइवेट ही ज़मीन है,
मतलब इधर बाकी इधर जो ज़मीनें दिख रहे हैं वो सरकारी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कुछ ज़मीनें, कुछ प्राइवेट ज़मीनें जो किसानों की ज़मीन है वो लेकर के यहाँ पे स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। सामने आपको दिख रहा है आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है। वो आंगनवाड़ी केंद्र जो दिख रहा है वहाँ से लेकर के आपको पूरा जो है कि आपके सामने उधर हाईवे रोड जो दिख रहा है, रिंग रोड, वहाँ से लेकर के और इधर ये आगे जो झोपड़ी और वो सब दिख रहा है, ये सब एरिया पूरा लेकर के स्टेडियम बनेगा और इसके पीछे तक जाएगा। वो पेड़ वेड़ जो दिख रहा है आम उम का, वो सब पूरी ज़मीन जो है कि आपको स्टेडियम में जाने वाला है, ठीक है। तो इतना पूरा 25 एकड़ मिला करके पूरी स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि अभी जहाँ पे हम हैं पीछे देख सकते हैं तालाब है और इधर कुछ मकाने दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा यहाँ से तालाब, ये सभी स्टेडियम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी सभी ज़मीनें जो है स्टेडियम के अंदर ही है, ठीक है। पूरी ज़मीनें यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी ज़मीनें लिया जाएगा, तालाब तालाब वगैरह सब कुछ ही तालाब वालाब ढक जाएगा, ठीक है। तो पुराना तालाब है, हालांकि देखा जाए तो ये सभी पेड़े जितने भी देख रहे हैं ये सब पेड़, महुआ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, सभी कट जाएंगे और कुछ पेड़े कट भी रहा है। जैसे वो सामने दिख रहा है वो पेड़ देखिए कट गया है, इसी तरह 3-4-5 पेड़ भी हैं वहाँ पे, देखिए पेड़ कटा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे पेड़ कटा हुआ है। ऐसे करके कुछ पेड़े धीरे धीरे पेड़े काटे जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है, ये पूरा तालाब देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। पूरी ज़मीन स्टेडियम के लिए, पूरा घर हो ज़रूरत पड़ने पे घर द्वार पूरा सट जाएगा स्टेडियम के पास में, ठीक है। तो जहाँ तक ज़मीन रहेगा वहाँ तक वो लेगा, ठीक है, जहाँ तक उसको सूटेबल लगेगा। पूरा ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ तक उंगली जहाँ तक मेरी जा रही है वहाँ तक देख सकते हैं। आगे जो है कि आपका हाईवे रोड दिख रहा है, पूरा ये सब एरिया स्टेडियम में ही आने वाला है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको स्टेडियम से रिलेटेड, यानी यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बन रहा है वाराणसी का, उससे रिलेटेड अगर आपको अपडेट अगर चाहिए, आप देखना चाहते हैं ज़मीनी स्तर से देखना चाहते हैं, न्यूज़ वाले तो बहुत कुछ दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर से देखना चाहते हैं, जो सत्यता है वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करें रहेंगे तो नए नए अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और फिलहाल जो भी चीज़ें आपके सामने दिख रहा है वही रियलिटी है, कि अभी कोई विशेष कार्य इस पर नहीं हुआ है, पेड़ उड़ का कटाई वटाई वही सब हो रहा है, ठीक है। यानी पेड़ उड़ काट दिया गया है, बाकी ज़मीनें जो है सेफ है, कुछ ज़मीनें खरीदारी हो चुकी हैं, लगभग 70% किसानों को पेमेंट मिल भी चुका है। तो इस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है और आगे की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो इसी तरह जानकारी आपको लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।